आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मूंग दाल की बड़ी की सब्ज़ी, जिसमें मैंने सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ साबुत लाल मिर्च, जिंजर गार्लिक, हींग, टमेटोस, आलू, मूंग दाल की बढ़िया। इसमें मैंने टमेटो ऐड किया है सब्ज़ी को, एंड सारे स्पाइसेस को एक बार में ऐड कर लिया है। गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर एंड सॉल्ट, वाटर को ऐड किया है। अब मैं आई हूँ सब्जी मंडी, जहाँ हर जानवर जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। हर जानवर, डॉग तक मिल जाएगा आपको यहाँ पे, डॉग, डक, फिश, हर एनिमल यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप नए हैं, वेजिटेरियन हैं, तो थोड़ी सी इतनी ज़्यादा स्मेल लगेगी कि आप चल ही नहीं पाओगे सब्जी मंडी में आप बिल्कुल भी। अब मैं यूज़ टू हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं कई बार आ चुकी हूँ, और मैं आई हूँ पाइनएप्पल एंड कॉर्न्स लेने के लिए। ये मेरे 100 मीटर्स पे मार्केट है। फिर मैंने एक आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम लेके मैं बाहर खा रही हूँ। वापस घर जाते हो टाइम और पार्क है, बहुत अच्छी अच्छा वेदर हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, गर्म हवा नहीं चलती इंडिया की तरह। पहले ह्यूमिडिटी थी इस टाइम भी, बट अभी जो है बहुत अच्छा वेदर हो रहा है हनोई में। तो आज मैं गई थी नियर बाय सब्जी मंडी, और मैं लाई हूँ कुछ सामान। ये लाई हूँ, एक देख, ये देख रहे हो आप, ब्रेड लो कितना बड़ा है। ये आता है 10,000 रुपीज़ का। इसका जो है आप बनमी टाइप, आप काफ़ी सारे सॉस जो है मिक्स करके, काफ़ी सारे सैलड्स को, जो भी आपको पसंद है, जो भी अच्छे लगते हैं, वो यूज़ करके जो है आप इसको, अगर टाइम नहीं है कुछ भी बनाने का तो आप बना के खा सकते हो। एक मैं लाई हूँ, ये गार्लिक 200 ग्राम्स जो मुझे मिला है 16,000 वियतनाम डोंग। और ये मैं लाई हूँ, ये आप खा सकते हो अगर आप यहाँ पर हो तो। ये ओ स्टार के जो येलो वाले हैं, ये आप खा सकते हो, सॉल्टेड होते हैं ये। और काफ़ी सारे लाई हूँ मैं कॉर्न्स, इनको बॉईल करूँगी अभी मैं। एक लाई हूँ मॉस्किटो स्प्रे, ये मेरे हफ्ते में जो है 2 बार आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है चींटियाँ, कॉकरोच बहुत बहुत ज़्यादा हैं। आप कुछ भी रखोगे उसमें चींटियाँ हो जाएंगी, कुछ भी रखोगे उसमें चींटियाँ हो जाती हैं। तो ये लाई हूँ मैं फिर से, ये मेरा ख़त्म हो गया 2 दिन में, क्योंकि मेरे बेड में, इसमें, उसमें, पर्स में, कभी कभार यहाँ कुछ भी रखो, खाने का कुछ है या नहीं, चींटियाँ हो जाती हैं पता नहीं क्यों। और लाई हूँ मैं अपना फेवरेट पैपिका मिनट मेड का जूस। वैसे तो मैं फ्रेश जूस जो है जाकर रोज़ पी रही हूँ, बट घर में, घर के लिए एक लेकर आई हूँ। और एक ये लाई हूँ मैं एक्ने का क्रीमी फेस वॉश, ये अच्छा है, यहाँ पर अगर आप हो तो, एक्ने है आपको या तो ये यूज़ कर सकते हो आप। 55 या 60,000 का है ये, 60,000 वियतनाम डोंग का। एक मैं ये लाई हूँ आज, जो रिफाइंड ऑयल है मैंने चेंज किया है, वो लाई हूँ मैं आज, ग्राउंड नट का। ये है मिजान का ग्राउंड नट, पहले मैं लाई थी सनफ्लावर ऑयल काफ़ी सारे, आज मैं लाई ग्राउंड नट, क्योंकि मैं इंडिया में जब होती हूँ तो सिर्फ ग्राउंड नट ही यूज़ करती हूँ। और लाई हूँ मैं काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पे फ्रूट्स के, इसके उसके जो हैं आपको कर्ड मिलते हैं, और अगर आप प्लेन लेना चाहते हैं तो प्लेन में ऐसा लिखा हुआ आएगा, आप ये प्लेन ले सकते हो। और ये आई थिंक 24 या 25,000 के 4 पैक्स होते हैं, 100 ग्राम का जो है 1 होता है 24,000। अब आप लगा लेना, कैलकुलेट कर लेना कि जो 10,000 होते हैं वो 35 इंडियन रुपीज़ होते हैं। और लाई हूँ मैं एक ये वेजिटेबल फ्लेवर के, ये AFC के जो हैं बिस्किट्स, बड़े अच्छे होते हैं,
क्रंची क्रैकर्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। 258 ग्राम का पैक है, 30,000 वियतनाम डोंग, 100 रुपीज़ का। और लाई हूँ मैं 2 पाइनएप्पल्स, ऐसे छिले हुए मिलते हैं यहाँ पर। और इसका जो ऑलमोस्ट प्राइस है वो मेरे ख्याल से इंडिया वाला ही प्राइस है। आप अब्रॉड में हो तो ये नहीं है कि ये महंगा है। ये एक है हमारे जो है 20,000 वियतनाम डोंग का है एक, यानी कि 70 इंडियन रुपीस का है। और एक ये लाई हूँ 250 ग्राम का, जो है यहाँ का वियतनाम का ही टोमेटो केचप है, जो बनने में यूज़ करने के लिए लाई हूँ मैं। और ये आई थिंक 15,000 वियतनाम डोंग का है, अराउंड आपका 50 रुपीस का है ये, 250 ग्राम का। तो ये भी कोई महंगा नहीं है, सही है। और अकेली हूँ तो इससे बड़ा क्या करना है, ये काफ़ी है, इनफ है। चलिए वीडियो करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पर कमेंट करके बताइए आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ये मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठा, सब्जी मैं बना चुकी हूँ मंडी जाने से पहले, एंड अभी मैं बना रही हूँ पराठा, एंड बना रही हूँ बूंदी का रायता अपने लिए। और कुछ पाइनएप्पल्स लाई हूँ, उसको मैंने कट किया है अपने डिनर में खाने के लिए। रायता बनाया है, पराठे बनाए हैं, और सब्जी बनाई है मैंने। बहुत ही स्पाइसी सी है, जो मूंग दाल की वड़ी में लाई हूँ वो अंदर से इतनी स्पाइसी थी, बट बहुत। ये मैं खा रही हूँ पाइनएप्पल, जो मैंने अपने लिए कट किया है डिनर में खाने के लिए, एंड खाना रेडी है। और अब मैं खा रही हूँ अपने पराठे के साथ आलू बड़ी की सब्जी विद बूंदी का रायता, बहुत ही यम्मी है।